नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक बहुत सुंदर और एक पवित्र जगह पर जिसे सोनागिरी के नाम से जाना जाता है। सोनागिरी का अर्थ होता है स्वर्णिम शिखर। दिगंबर जैनों का यह एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो मध्य रेलवे मुंबई मार्ग के ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वह झांसी से इसकी दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। सोनागिरी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन दतिया यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले का एक पवित्र तीर्थ स्थान भी कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि नंग व अनंग कुमार ने यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति की थी। वह 8वें तीर्थकर चंद्रप्रभु स्वामी का यहाँ 17 बार संवर स्वर्ण आया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 करोड़ मुनियों ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की है। इस पहाड़ी पर लगभग 77 जैन मंदिर हैं और गांव में लगभग 26 जैन मंदिर हैं। पहाड़ी का 57वां क्रमांक मंदिर भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित है जो 17 फीट ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित है। सोनागिरी जैसे अनोखे स्थान को छोटा संवेद शिखर भी कहते हैं जो 32 एकड़ की 2 पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। सोनागिरी का प्राचीन नाम श्रवणगिरी या स्वर्णगिरी है। यहाँ बहुत ही सुंदर व मनोरम पहाड़ी है व यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 लेख देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक शिलालेख लगभग 1233 विक्रमी संवत में अंकित है व चंद्र प्रभु के एक शिलालेख में लगभग 335 मात्र ही पढ़ने में आता है। विद्वानों का मत है कि यह 1335 संवत का रहा होगा। इतना तो स्पष्ट है कि यह पावन और अतिपूर्ण स्थान है और यह एक बहुत ऐतिहासिक स्थान भी माना जा सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो इसकी ऐतिहासिक महत्वता भी बहुत अधिक है। यानी एक ऐसा स्थान है जिसकी ऐतिहासिक व आध्यात्मिक दोनों ही महत्वता बहुत अधिक है। अब इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में देते रहेंगे या इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ यदि आपको पता है तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।